अच्छा एक बात बताओ, बोलो। अपने बाबा के बाद तुम्हें सबसे ज्यादा किससे प्यार है? राहुल पूजा से उसके बाबा के बारे में पूछने आया, कहीं वो पूजा से अपना नाम तो नहीं सुनने आया? ओ नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर यही मेरा जवाब वही है जो मैंने उस वाले राहुल को दिया था, जो बाबा कहेंगे वो मेरा फैसला है। ये तो जुल्म है। मैं जालिम हूँ। मैं आशिक हूँ। मैं कातिल। मैं मरना चाहता हूँ। मैं भागना चाहता हूँ। भागने नहीं दूंगा। रोहन रास्ता छोड़ो। हटा दो। बाबा देखिए रोहन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जाओ रात को अपने अम्मा अप्पा के सामने राहुल बना। शुक्रिया। थैंक्स। अच्छा जगह है। जल्दी करें जरा। हाँ सर चले बस हो गया। अच्छा अंदर ले लेना आके। हट जाओ। ग्रिल्ड चिकन सैंडविच रखे और क्रासांट और येलो केक और जूस फ्रेश होना चाहिए। सब ले आए। मैं तो कहती हूँ जो है ले आए। मैंने ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। समझो यहाँ करीब में कोई हॉस्पिटल है। बस आपकी जरूरी बात कहीं मेरे नाजुक दिल के लिए खतरे का बाइस तो बन जाए। सर जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चार दिन में अल्लाह माफ करे आपका हार्ट अटैक ना हो जाए। वैसे फिल्म बनाना आपके बस की बात नहीं है। आई डोंट थिंक। जी बिल्कुल वापस चले। 15 हर वो चीज जो पे से शुरू होती है वो हराम है। प्यार भी। प्यार हलाल है अगर आपका हो तो। फिर 15 करोड़ उसके सामने इट्स नथिंग। सलम जी इतना जल्दी ले आए। रख दो। थैंक यू। फ्रेडी को कॉल मिलाओ। जी मामा जी। फ्रेडी वो मेरे पास पैसे नहीं है यार। मैं एक जगह पे सलम जी के साथ आया हूँ। तुमने हेलो हेलो माहम फोन रख दिया। मैं इस वक्त दो प्रॉब्लम्स में हूँ मामा जी और रोहान भाई। शायद कॉल कट गई होगी। हेलो है बिजी फिर से कॉल करता हूँ। शायद मुझे कॉल कर रहा होगा। नहीं नहीं आपके साथ बिजी होने के लिए फ्रेडीज ऑल टाइम रेडी। ठीक है अल्लाह हाफिज। क्या करूं बेकार भांजे मेरे पैसे भी लाना भूल गया। ऐसा करते भाग जाता। आपने ऑर्डर किया है पैसे तो दे दें। कहाँ जा रहे हैं? ये मैंने ऑर्डर जो मैंने दिया जो सर आपने क्या सोचा? कुछ फैसले जज्बाती होके नहीं किए जा सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो इस सिनेमा के लिए मैंने कितनी जिद्दोजहद की है कितनी कोशिशें की हैं लेकिन हालात तुम्हारे सामने
यहां का बिल तक नहीं दे सकता मैं। सैलरीज मुझे नहीं लगता यहां की मेंटेनेंस भी अब मैं कर पाऊंगा। सर जब माम बाजी और फ्रेडी ने कहा था कि उसका हल निकाल लेंगे तो बाकी हल भी निकल जाता ना, और मुझे पता है हमारे लिए बहुत मुश्किल टाइम है, और ऐसे पुराने स्टाफ वालों को निकालना कोई आसान काम नहीं है, सबकी नौकरी लगी हुई है, सबकी रोजी है, लेकिन आपने तो हार ही मान ली, तो बस सब खत्म। अब आप वही करें जो आपने सोचा है और मैं वही करूंगा जो मैंने कहा था। चाय कॉफी कुछ? कॉफी, लेकिन जल्दी प्लीज, फ्यूमिगेशन वाले आ रहे हैं। दो कुर्सियां भी? एक कुर्सी। मैंने कहा था ना ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई एम रैपिंग अप फ्रॉम हियर। रैपिंग अप थिंग्स? मेरे से बात किए बगैर कैसे रैप कर सकते हो? मर्जी मेरी, मेरा सिनेमा, मेरा बिजनेस। तुम्हारी मर्जी? जब मैं इधर शॉपिंग मॉल बनवा रही थी, जब पापा तुम्हें इतना समझा रहे थे, तब तो तुम्हारी समझ में किसी की बात नहीं आ रही थी। तब भी मेरी मर्जी थी और आज भी मेरी मर्जी है। तुम किधर जा रहे हो? वापस आओ। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा और माहम का आपस का मामला है। ये उसका भी मामला है दानिश। हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की है और तुम्हें बता कर की है। तुम लोगों ने जो किया है खुद किया है, मैंने नहीं कहा था करने को। दानिश बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी कोई मुलाजिम नहीं हूँ कि तुम जब चाहो मुझे निकाल दो और जब चाहो वापस बुला लो। देखो दंगा गंदा हो गया ना ये कितना। ओ, मैं कुछ बोलूं? खबरदार तुमने कुछ बोला तो। फ्रेडी तुम बोलो, मैं देखती हूँ कैसे रोकता है ये हमें। तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। देखिए आप दोनों मेरी बात सुने थोड़ी देर के लिए, मुझे दो दिन दें, मैं कोई आइडिया लेके आता हूँ, शायद उससे तुम दोनों लड़ना भी छोड़ दो और ये सिनेमा भी बच जाए। Hopefully. हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई आइडिया। हमें चाहिए दानिश, बिल्कुल चाहिए। फ्रेडी तुम आइडिया लेकर आ। और दानिश मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रही हूँ, दो दिन से पहले तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, वरना। वरना क्या? वरना वो कुछ होगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। इधर से आ रही। हाय, चीची के साथ कॉफी पर गई थी, गलती कर दी। आई डोंट बिलीव इट, आप मामा जी के साथ कॉफी पे गई थी? हाँ, हशर करके आ रही हूँ उसका। यूजलेस इडियट। क्या किया आपने उस मासूम इंसान के साथ? वो बददुआएं दे रहे होंगे आपको इस वक्त। और उसने जो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरी प्लानिंग करके गई थी कि तेरी फिल्म के लिए उससे मैं 15 करोड़ मांग लूंगी, इतना तो कर सकता ना मेरी मोहब्बत की खातिर। बड़ा आया सच्चा आशिक। एनी द वे अब मैंने सोचा कि मैं किसी लोडेड सीमेंट बनाने वाले चौधरी से पैसे लेती हूँ, दे भी देगा। तू मुझे बता माजी किधर है? अपने कमरे में होंगी, आई डोंट नो। क्यों आपने उनसे भी झगड़ना है क्या? मेरे पास ना कुछ पैसे पड़े हैं, मैं सोची थी मैं माजी से पूछ लूँ उनके पास कितने पड़े हैं। क्या हो गया? टेंशन नहीं ले, 2-4 फाइनेंसर ढूंढने पड़ेंगे लेकिन हो जाएगा। गुड़िया तेरी फिल्म में हीरोइन तो मैंने ही आना है ना, तो सोचना पड़ेगा पैसे कहाँ से लाने हैं। टेंशन पड़ी हुई है मुझे। ओए बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, कैसी की फिर मीटिंग आपकी? वो कुछ मर गए मामा जी। फिक्र मत करना, इस औरत को पता भी है कि 15 करोड़ में 0 कितने होते हैं। सॉरी मामा जी। सॉरी? किस बात का सॉरी भाई? हैं? मैं ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं और ना मैं उस औरत की शक्ल देखना चाहता हूं। ये भांजे है मेरे, याद रखना आज से मैं तुम लोगों का मामू नहीं बल्कि विलन हूं। देखता हूं इस घर के अंदर अब शादी किसकी होती है। टाइम पे छींक आ गया। माँ जी, माँ जी,
किधर चली गई? माँ जी, are you ready for सनम के हाथों की मालिश? No thanks. Actually, मुझे ना शॉपिंग के लिए मॉल जाना है. मॉल जानी है? मुझे भी साथ ले जाना, मैंने एक छोटी सी चीज लेनी है. नहीं नहीं, मुझे बता दो जो कुछ चाहिए, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए. क्यों माँ जी, कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किससे मिलने जा रही है? सनम, आई यू इन योर सेंसेस? मैं तुमसे पूछ के जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और बता के जाऊंगी कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ. उफ, आपका तो मूड ही खराब हो गया माँ जी. मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, क्या हो गया? ये क्या है? गिफ्ट? आप तानिया से तो नहीं मिलने जा रही? दानिया किधर है? दानिया जी. सनम जी, माँ जी जा रही है तानिया को मिलने और साथ गिफ्ट भी लेकर जा रही है. तो कह दादो का उनसे मिलने का दिल चाह रहे, तो इसमें क्या मसला है, जाने थे उनको. ओहो, जिस तकिए पे पत्ता था उसको पंख लग गया. सनम जी, जिन पत्तों पे तकिया था वो हवा देने लगे. ओहो, तुझे समझ तो आ रही है ना मैं बात क्या कर रही हूँ. मैं एवी रौला नहीं पा रही. उसने ना माँ जी को आग बगोला करके वापस भेजना है और फिर माँ जी ने हम सबको सार देना है. सनम जी, दादो बच्ची नहीं है. तुझे नहीं पता ना उसने माँ जी को मेरे खिलाफ कर देना है. मैं नहीं अभी तो रुक सकती. मेरी सनम जी बात सुने, इधर बैठे एक मिनट. बैठे एक मिनट. मैं नहीं बैठ सकती ना, मेरे साथ पहले भी ऐसी चीज हो चुकी है, आपने बर्दाश्त नहीं कर सकती. आपके दिल में मेरे भी रिस्पेक्ट. क्या मतलब चोर? आपको समझ आ गई है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपके दिल में चोर नहीं है, अगर आपका दिल साफ है, तो क्या फर्क पड़ता है वो दादो से मिले, बाबा से मिले या किसी से भी मिले. वो आपकी जगह नहीं ले सकती, आप उनकी जगह नहीं ले सकती, बात खत्म. आपको इनसिक्योर होने की कोई वजह नहीं है यहाँ. हाँ वैसे बात तो तू ठीक कर रही है, अगर दिल में चोर ना हो तो फिर डर किस बात का. एग्जैक्टली. एनी द वे, मेरा ना फोकस तेरी फिल्म पे है. गुड़िया, मैंने ना हर सूरत तेरी फिल्म में हीरोइन आना है. ठीक है, उसके लिए तो फिर मुझे बकायदा काम करवाना पड़ेगा, होंठ मोटे कराने पड़ेंगे, नाक पतली करानी पड़ेगी. गुड़िया, तो मैं ना जरा रिसर्च करूं अपनी जाके. अरे 15 करोड़ मांग लिए, 15 साल तो मैंने मोहब्बत किया तुमसे, दफा ऐसी मोहब्बत को. क्या हुआ मामा जी, सनम जी ने हाँ कर दी फिल्म बनाने के लिए? हाँ कर दी. 15 करोड़ मांग लिया मुझसे फ्रेडी. 15 करोड़? बस बस, पता भी है 15 करोड़ कितने होते हैं क्या मामा जी? मेरा तो दिल ही बैठ गया. आई अंडरस्टैंड. 15 करोड़ बहुत है. नहीं तो है नहीं. बेटा, मुझे तुमसे दानिया की मंगनी के बारे में एक बात पूछनी है. जी अंकल, पूछिए. दानिया की मंगनी की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी. अंकल आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया. मुझे पता है कि तुमने वही किया जो मैंने कहा था, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि दानिया इस मंगनी से खुश है कि नहीं, या उसे कोई स्टूपिड किस्म की कुर्बानी दी है? वैसे तो वह तुम्हें हर बात बताती है, तुम्हें हर चीज पे कन्फाइड करती है, तो उसे तुम्हें यह क्यों नहीं बताया कि यह एक महज डील है और मंगनी नहीं? आप जानते अंकल, ये मंगनी उसने आपसे डील करने के लिए की है. मुझसे डील करने के लिए? क्या मतलब? अंकल वो चाहती थी कि तानिया आंटी और सनम जी का कन्फ्रंटेशन हो जाए, और इसके बाद या तो आंटी वापस घर आ जाए या फिर आपकी शादी. स्टॉप स्टॉप इनफ, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अंकल आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया. वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद आप और दादो घर में अकेले रहें. और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अंकल मैंने दानिया से भी बहुत सारी बातें छुपाई हैं, आपकी बीमारी के बारे में, सर्जरी के बारे में. उसको उसको शक था, उसने मुझसे बार बार पूछा, बल्कि वो तो मुझसे नाराज हो रही थी कि मैं उसको कुछ बता नहीं रहा. लेकिन मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला, क्योंकि जितना आप मुझ पे भरोसा करते हैं ना, उतना ही भरोसा मुझ पे दानिया भी करती है. जो कुछ भी है, ये डील वाली बात सुन के तो जी चाह रहा है कि इस मंगनी को ही तोड़ दूं.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बीजान? बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली बीजान, बल्कि मुझे तो 2-4 साल और यंग लग रही हैं। हाँ, अब दानिया फिल्म बनाएगी ना, तो मुझे हीरोइन लेगी देखना। आ जाओ। आए बीजान, मैंने आपकी बुक पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी है आपने, और इनॉग्रेशन की रील्स भी देखी थी इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स भी पढ़े। एक्चुअली किताब के बारे में तो बहुत सालों से मुझे सब लोग कह रहे थे कि मुझे अपनी यादाश्तें लिखनी चाहिए। फिर मुझे भी लगा कि एक इतना अच्छा वक्त देखा हुआ है मैंने, इतनी अच्छी फिल्में बनती थी, तो बहुत सी अच्छी मेमोरीज थी, उनको एक जगह कंपाइल होना चाहिए था। अब देखो ना, मुझसे इंस्पायर होके दानिया पे फिल्म बनाने का सोच रही। दानिया फिल्म बनाएगी? हीरोइन तो वो फिर सनम को ही कास्ट करेगी। कोई किरदार ऐसा हुआ तो कर भी सकती है। इतना अच्छा किरदार अदा तो कर रही है वो, मेरा घर बर्बाद करके, इससे ज्यादा अच्छा किरदार वो कर नहीं सकती। किरदार तो हम सब अपने अपने अदा कर रहे हैं। जिंदगी है इसी का नाम। लेकिन एक बात कहूं, तुम दानिया की मंगनी पर आई और उससे मिले बगैर चली गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जब मैं आई तो दानिया की खुशी की खातिर थी ना, लेकिन वो मंजर देख के मैं वहां बिल्कुल नहीं ठहर सकी। माशाल्लाह इतना बड़ा अस्पताल चला रही हो, कितने डॉक्टर्स तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, ऐसे ही गुस्से से हैंडल करती हो सबको? वो अलग बात है बीजान, मेरा उन लोगों से कोई पर्सनल रिलेशन थोड़ी है। उस औरत की वजह से आज मैं अपने घर से दूर हूँ, अपनी बेटी से दूर हूँ। देखो, तुम्हारी इस बात से मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा दानी और एहसान से ताल्लुक नहीं टूट सकता। अब इसमें कोई आए या जाए क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बीजान, आप अच्छी तरह जानती है कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कुछ भी बर्दाश्त कर ले। ये जो सोशल मीडिया की गॉसिप्स होती है, मुझे लगता था कि सिर्फ आमियाना औरतों पर ही असरअंदाज होती है, लेकिन तुम जैसी पढ़ी लिखी समझदार औरत इससे इन्फ्लुएंस हो जाए, हैरत है मुझे, इतना कुछ हैंडल करती हूँ जिंदगी में। खैर, एहसान आया था क्या मिलने? जी आए थे, और क्या कहकर गए हैं वो आप उन्हीं से पूछिएगा। क्यों, क्या कोई ऐसी बात? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन बीजान, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाई कि तुम्हारा और एहसान का ताल्लुक कभी नहीं टूट सकता? तुम लिख लो चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारा और एहसान का ताल्लुक मजबूत है। चितानिया की बहुत याद आती है, चाहे आपकी बहुत याद आती है। तो फिर आ जाओ ना अपने घर वापस। अब देखो, दानिया को तुम्हारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। क्यों, अब क्या हुआ? दानिया की सास ने कुछ ऐसी बातें कही कि मुझे लगता है वो दानिया के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। क्या मतलब, कैसी बातें? वैसी बातें जैसी कभी तुम किया करती थी। बीजान, उन्होंने दानिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? भाई, उन्हें हमारा फैमिली बिजनेस पसंद नहीं है, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं भी कभी फिल्मों में काम करती थी। ये क्या अजीब बात हुई, उन्होंने पहले से नहीं जांच पड़ताल करवाई हुई थी? फैमिली बिजनेस है हमारा, ऑब्वियसली दानिया फिल्म ही बनाएगी ना। तुम्हें भी तो पता था एहसान का फैमिली बिजनेस क्या है, और एक्ट्रेसेस के साथ उसका इंटरेक्शन भी होगा। बेजान, आपको जरूरत क्या है इस खानदान में रिश्ता करने की? हाँ, पता, पहले मैं इतनी खास राजी नहीं थी, लेकिन जब मैं रूहान से मिली तो मुझे बहुत प्यारा बच्चा लगा। और मजे की बात क्या है कि वो भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है, यानी दानिया का और उसका सेम इंटरेस्ट होगा, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। और ये भी मैंने महसूस किया कि दानिया धीरे धीरे उसको चाहने लगी है। अब दानिया का दिल तोड़ने का मेरा दिल नहीं चाहता। हाँ, मेरी मुलाकात करवाई ना रूहान से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तो मिलना ही चाहिए, मिलवाऊंगी जरूर। मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारी चाय की खुशबू तो अब तक मेरे घर में महक रही है। लेकिन अफसोस बीजान, उस खुशबू को आज तक मेरी बेटी महसूस ना कर सकी। इसलिए कि तुमने उसे चाय नहीं पिलाई, अपने गुस्से के घूंट पिलाए हैं। आ जाओ घर। अच्छा खैर, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बच्चों, अगर कोई लड़की प्यार के धोखे में लाकर
15 करोड़ मांग लेना, देना देना। जी मामा जी। ठीक मामा जी। कौन फ्रेडी मेरे बच्चे? मेरे पीछे इस घर में क्या होता रहा है? बुखार, बुखार, बुखार। बाबा आ गए? हर वो चीज जो पे से शुरू होती है वो हराम है। ओ। प्यार भी? वो हलाल है अगर आपका हो तो। ओह, हाँ, मेरी आपा बेगम को बुलाओ, जल्दी से मेरी आपा बेगम को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत खराब है, वो भी बचा सकती है। ये नहीं, तुम्हारी आपा ये हाजिर है। चुकताई तुम्हें तो सीधा जहन्नम में पहुंचाऊंगी। अगले 10 दिन तुम इस कमरे से, इस घर से बाहर नहीं निकलोगे और अपना फोन भी इस्तेमाल नहीं करोगे। रोहन, इसका फोन पकड़ो मुझे। लेकिन आपा। अरे पकड़ाओ उसका फोन। आपा लेकिन एक ही तो फोन। तुम मिले हो। पापा दर्द हो गए उनसे। दोनों दफा क्यों नहीं हो जाते मेरी जिंदगी से? इतना सब कुछ हो गया। तुम तानिया के घर गए थे उससे मिलने? जी। क्या बात हुई तुम्हारी वहां? अगर उसने आपको यह बता दिया कि मैं उससे मिलने गया था तो आई एम श्योर उसने आपको यह भी बता दिया होगा क्या बातें हुई हमारे बीच में। आर यू गाइज इन योर सेंसेस? किस तरह की इमैच्योरिटी दिखा रहे हो तुम? मम्मी मैं कौन सी इमैच्योरिटी दिखा रहा हूं? वो इस घर में वापस आ रही है, मैंने कह दिया उससे। तो फिर आप मेरी भी बात सुन लें, अगर तानिया इस घर में आई तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे बात किए बगैर कभी भी तानिया से बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी माँ हूं। राहुल पूजा से उसके पापा के बारे में पूछने आया, कहीं वो पूजा से अपना नाम तो नहीं सुनने आया? ये तो जुल्म है। मैं जालिम हूँ। मैं आशिक हूँ। मैं कातिल। मैं मरना चाहता हूँ। मैं भागना चाहती हूँ। भागने नहीं दूंगा। I love you. इधर ही रुक जाओ, घूमो घूमो। 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गई थी, यहां मशहूरी हो गई, वाह क्या काम किया तुम लोगों ने, है ना? मामा मुझे क्यों डांट रही हैं? मैं तो माम के साथ काम पे गया हुआ था। माम के साथ क्यों थे काम पर? तुम तो चुपताई की हेल्प करने के लिए रुके थे ना बिजनेस में। मामा वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी तो मैंने सोचा। अच्छे से समझती हूँ तुम्हारी अपॉर्चुनिटी, हद होती है। इस खानदान के तमाम लड़के उस फिल्मी खानदान की लड़कियों के दीवाने हो गए। मुझे वो खानदान बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। मामा वो पाकू से दोस्त की कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर लूँ? मैंने तानिया से कह दिया कि वो वापस घर आ जाए। ओ।
और वो अगर आ भी रही है तो फिर हमारा यहाँ पे क्या काम है? सनम जी, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, लेट्स गो। दानिया, फजूल बातें बंद करो। तुम इस घर से जाओगी तो अपनी ससुराल जाओगी सिर्फ। और तुम क्यों बार बार घर छोड़ने की बात करती हो? कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी, अगर वो इस घर में आ गई तो फिर मेरा तो नहीं ना। क्या फजूल बातें करती हो तुम भी? तुम इस घर से अगर चली गई उसके आने से पहले तो वो समझेगी कि जो वो समझ रही थी वो ठीक है, उसकी गलत फहमी सच साबित हो जाएगी। कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं और हमने तुम्हें अपना समझा है, खामखानी रखा हुआ यहाँ पे। तुम कहीं नहीं जाओगी घर छोड़कर। वाह माँ जी, कितने सोने डायलॉग बोलती हैं आप। अगर आप स्क्रीन पर बोल देती ना तो 100-100 के नोट लोग फेंकते आपके ऊपर। इतनी सीरियस बात में भी ना कोई फिल्मी बात आपने जरूर करनी होती है। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि वो रात को आ रहे हैं सवेरा और रिजवान मंगनी की तारीख का पता करने, क्या करना है? दादू, वो बाबा से मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि जब तक मेरे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स नहीं कंप्लीट होते तब तक शादी नहीं करेंगे। और हीरोइन ही घर छोड़ के जा रही है? नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं कहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ। भावे तानिया आ जाए, उनका प्यो आ जाए, उनका पूरा खानदान आ जाए, मैं इधर ही हूँ। आप बताएं और आप बताएं कि मेहमानों के लिए आज रात को क्या पकाना है। साग बनाना है, चिकन बनानी है, जो आप कहेंगे मैं बना दूंगी। मैं ना सब तैयारियां करके आई, मैं कहीं नहीं जा रही माँ जी। आई एम द हियर। मेरा लैपटॉप बाहर रह गया, मैं जल्दी से लैपटॉप लेकर आती हूँ। Beautiful. कौन? Morning. तुमने अबू से बात की? हम बेशक बाकू बॉयज होंगे लेकिन बात तो वो मामा पापा ही करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मामा जरा मुश्किल से मानेंगे पर डैड जबरदस्त आदमी है, वो जरूर मना लेंगे। और जहां तक बात रही दंगा बली की, उसे तो मैं खुद संभाल लूंगा। फ्रेडी, तुम हर वक्त इतनी बकवास कैसे कर लेते हो? सर पे सवार हो जाते हो। कसम खाएं, मैं हूं क्यों सवार सर पे? मैं हूं ही इतना प्यारा। तुम जमीन पे आओगे या मैं लेकर आऊं? अच्छा अच्छा, आ गया आ गया। आप क्या पूछना चाह रही थी? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि अगर दंगा बली मान गया तो क्या आपके डैड मान जाएंगे? ये मैं डॉक्यूमेंट्स बना के लाई हूँ, जरा देखें। ड्राइवर अराउंड से। आप कभी मेरी गाड़ी में बैठे हैं, सीधा अजरबैजान ले जाऊंगा। वेरी फनी डायरेक्शन रोहान की, स्टोरी मेरी। नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन। और कैसे नहीं मानेगा, ऑफिशियल फियांसे है मेरा। कॉल करके पूछती हूँ किधर है। माहम, हेलो माहम। हाँ दानिया, हम तुम्हारे घर के बिल्कुल पास है, तुम बाहर आ जाओ। ओके ओके, चलो मैं रेडी होती हूँ, मैं रेडी होती हूँ। ओके बाय बाय बाय। गाइज, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं वो मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। आई डोंट थिंक वो मानेगा क्योंकि उसने बाबा तक को मना कर दिया है। मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बात को मना नहीं करेगा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा ये आइडिया कब चेंज हुआ है? तुमने तो शॉपिंग मॉल बनाना था, तुम सिनेमा हॉल क्यों बना रही हो? आई थिंक हमेशा दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं बदलते। आई थिंक प्रॉब्लम इधर से शुरू हुई, मैं बदली तो वो भी बदल गया। तो तुमने मतलब आपने अपने आप को दानिश के लिए बदला था? मैंने सिर्फ अपने आप को अजमा कर देखा है। जिद तोड़ देने से ना सिर्फ आपकी ईगो हर्ट होती है और कुछ नहीं होता। हाँ बोला करें, ये बात दानिश को भी समझ आ जाए, वो अपनी जिद छोड़ दे। मैम अगर तुम दानिश को भी ऐसे ही समझाती तो आई एम श्योर वो समझ जाता। कोशिश की थी दानिया, लेकिन आई थिंक उसको मेरी बात समझ नहीं आती। तुम ना भी बोलो ना, उसको तब भी समझ आ जाए। राजू, राजू क्या हुआ? ओह माय गॉड, दानिश से सिनेमा तूने भेज दिया? वो अभी अंदर सिनेमा ही बेच रहे हैं।
चलो गाइस चलो। मैंने सारी चीजें स्पेलिंग दी सही। दानिश दानिश एक मिनट। तानिया तुम? हाँ मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक मिनट इसको छोड़ो। सॉरी सर एक मिनट बात सुनो मेरी, एक मिनट आओ आ जा सॉरी एक मिनट। दानिश देखो दानिश, तुमने जिंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए होंगे, हरकतें की होंगी जिसमें बाद में तुमने कुछ रिग्रेट किया होगा या पछताए होगे, राइट? लेकिन वो छोटी छोटी डिसीजंस थे, छोटे मोटे झगड़े थे, उनका तुम्हारी जिंदगी पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी। वो तानिया की बात मान गया, अब सिनेमा नहीं बिकेगा। मान गया? छोटे छोटे झगड़े थे लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे पैशन के बारे में है। दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ये पेपर साइन करके बहुत पछताओगे। प्लीज डोंट डू इट दानिश। फ्रेडी प्लीज। थैंक यू। हियर यू गो। प्लीज थैंक यू दानिया। थैंक यू। जावेद साहब आई एम सॉरी। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। यस। वैसे आइडिया किसका था? फ्रेडी। Thank you. So all issues resolved and decided. Yes! और एक और बात, फ्रेडी के यूनिक आईडिया के मुताबिक तुम्हारी जो पार्किंग की जमीन थी वो मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है? और उस पे जो भी बिल्डिंग बनेगी उसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे तुम्हारे सिनेमा की पार्किंग। Yes! That's amazing! High five! और एक और आइडिया। भाई पहले सिर्फ मां फ्रेडी की कायल थी, अब तो मैं भी हो गया। वाह फ्रेडी वेरी नाइस वेरी नाइस। और एक और, हाँ एक और खुशखबरी, मैं अपना बुलडोजर बेच रहा हूँ। क्योंकि ना रहेगा बुलडोजर और ना टूटेगा सिनेमा। सीन यह है कि मैंने एहसान को कंफर्म कर दिया है कि हम उसके यहां आ रहे हैं डिनर के लिए। हेलो, तैयारी कर ले उसी तरह जिस तरह खुशी खुशी मंगनी की थी। अब वो हालात नहीं हमारे। हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, उसी तरह डोले हैं और एब्स है, कोई हालात खराब नहीं हुए। क्या बात कर रही हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? रिजवान मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, वहां जाकर ना सनम की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखना। नहीं नहीं क्या बात कर रही हो, मैं बिल्कुल नहीं, बताओ तो वाह, नजरें मेरी हर वक्त झुकी हुई होती हैं। क्या बात कर रही हो, मूड सही करो, ठीक है? डन है, ऑलराइट।